मंडी जिला के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने विवादों में रहे कंडक्टर भर्ती परिणाम को लेकर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इस भर्ती में कई सवाल खड़े किए हैं। इस भर्ती को लेकर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित भीखाराम ने पक्षपात के आरोप लगाए। भीखाराम के मुताबिक इन्हें INA फ्रीडम फाइटर कोटे में रोजगार मिला था, लेकिन HRTC ने इस कोटे के तहत उन्हें रोजगार नहीं दिया। विक्रम राम को लगभग 4 महीने ओवरेज होने के बचे हैं, जबकि उन्होंने आज तक केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विभागों से रोजगार के लिए कई बार आवेदन किया, मगर इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला है। भीखाराम बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनके पिता का देहांत हो चुका है। इनके पास ताम्र पत्र है और अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं, जो इनके स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित होने के पुख्ता परिणाम हैं। परेशानी ये है सर मेरे को कि आज तक कानून की मैंने 10वीं पास की है 1992 की, उसके बाद फ्रीडम फाइटर के कोटे में आज तक 2018 चल पड़ा है, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो मेरे को अब तक कोई नौकरी नहीं दी सरकार ने। देख करता हूँ कि मैंने HRTC भर्ती अभी हाल ही में हुई है, इसका जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें मेरा नंबर मेरिट लिस्ट में था, जो मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था उसमें मेरा नंबर नहीं आया। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरे को कहीं भी नौकरी पर रखा जाए। भीखाराम को रोजगार देने की पैरवी दलित वर्ग के संयोजक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने की। लेकिन बहुत ही विडम्बना है कि ये जो भीखम राम है ये बेरोजगार है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, HRTC वालों ने इसको ट्रेनिंग भी दी, इसने कई डिपार्टमेंट ने और विभागों में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में भी इसने कई बार अप्लाई किया कि ये रोजगार इसको मिले अपने पिताजी के कोटे से, INA के कोटे से। लेकिन मुझे इस चीज की बहुत दुख है कि क्या वजह रही, क्यों इनको आज दिन तक, अभी जबकि इनकी ओवरेज होने के लिए 3-4 महीने बाकी बचे हैं, और क्या वजह रही शासन और प्रशासन ने इस परिवार की तरफ क्यों नहीं देखा, जबकि कागजों में कई स्कीमें आती कि फ्रीडम फाइटर के लिए हमें कर रहे हैं, INA के लिए जो उससे संबंधित परिवार उनके लिए हमें, तो इनको क्यों नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और HRTC में जो अभी कंडक्टर का इसने वहां ट्रेनिंग भी लिया, उनके मैनेजमेंट के खिलाफ भी एक्शन हिमाचल सरकार करे, भारत सरकार करे कि क्या वजह रही, इनको क्यों नहीं रोजगार दिया, इनको क्यों नहीं कंडक्टर भर्ती में शामिल उसमें इनकी सिलेक्शन, जबकि मेरिट में थे। जिला प्रशासन के माध्यम से गवर्नर राज्यपाल महोदया को, राष्ट्रपति महोदया को और दूसरे जो इससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी उन तक हम जाएंगे और इसको न्याय की गुहार लगाएंगे।